यूथ लीडर निखिल व्यास ने मुंबई के कांदीवली पश्चिम स्थित मिलाप सिनेमा में गुजराती फिल्म जमकुड़ी का फ्री स्क्रीनिंग रखा, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जमकुड़ी मूवी देखी और लोगों ने खुशी जताई कि इस तरह की फिल्म निखिल व्यास द्वारा स्क्रीनिंग रखी गई है। जो पहले भी ऐसी कई फिल्मों को लेकर निखिल व्यास ने स्क्रीनिंग रखी है, वहीं पर आज एक बार फिर निखिल व्यास ने जमकुड़ी फिल्म की स्क्रीनिंग रखी, जहां पर इस स्क्रीनिंग के दौरान खुद फिल्म के लीड एक्टर विराज घिलानी भी इस मौके पर लोगों के बीच पहुंचे। लोगों के बीच पहुंचते ही लोगों में खुशी सी देखने को मिली और सभी उनके साथ सेल्फी लेना चाहते थे, क्योंकि लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी है। और आए हुए लोगों का कहना भी था कि ये फिल्म हमें बहुत अच्छी लगी और हमें इस तरह से फ्री में देखने का भी मौका निखिल व्यास के द्वारा मिल पाया है और उनको थैंक्स भी कहा। इस दौरान निखिल व्यास और साथ ही अभिनेता विराज घिलानी का क्या कुछ कहना था मीडिया से बातचीत में, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं विराज भाई घिलानी का स्वागत करता हूँ कि हमारे रिक्वेस्ट पे वो जो हमने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है उसमें खुद लोगों से मिलने के लिए आए। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। मुझे लगता है मैंने हमेशा ही जो जो पिक्चर समाज को अच्छा मैसेज देती है उस पिक्चर की स्क्रीनिंग रखने का प्रयास किया है। मेरे सारे मित्रों ने मिलकर हमने उसको बढ़ावा देने का काम किया है और एक उत्सव है। इसमें भी विराज भाई घेलानी ने एक स्त्री को उसके मन का, चाहे आर्ट्स होगा, उसके मन का कला होगा, उसको बढ़ावा देने का काम, ऐसा मैसेज विराज भाई घेलानी ने पिक्चर से देने का प्रयास किया है। और वैसे भी विराज भाई घेलानी कांदिवली बोरीवली से हैं, जैसे वो बताते हैं साउथ बोरीवली से, तो हमेशा से ही कांदिवली ने अच्छे अच्छे स्टार्स दिए हैं, चाहे विराज घेलानी हो, डीजे नटोरियस हो, वाटर स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, क्रिकेट के फील्ड में हो, कांदिवली ने हमेशा ही मुंबई को और भारत को दिशा दिखाने का काम किया है। और विराज भाई घिलानी को हमें बहुत ज्यादा हम उन पर गर्व है। तो जिस तरह से कांदिवली से निखिल जी भी और विराज जी भी और उमंग जी भी, तो किस तरह आगे आप लोग तीनों लोग मिलके कुछ नया कांदिवली में कर दिखाएंगे, क्योंकि कांदिवली से आप तीनों ही काफी अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के। मुझे हमेशा से ही लगता है हर एक को अपने अपने फील्ड में अपना बेस्ट देना चाहिए। साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा करने जाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है। अपने अपने फील्ड को जितना स्ट्रांग करेंगे उससे कांदिवली, मुंबई और पूरा देश स्ट्रांग होगा। मैं आगे विराज भाई को रिक्वेस्ट करूँगा। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच निखिल भाई जिन्होंने ये आयोजन किया, और मतलब मैं कांदिवली से हूँ और मुझे, मैंने सपने में भी सोचा नहीं था, मतलब मेरे पास ये इतना सोच ही नहीं था कि इतनी अच्छी फिल्म जाएगी और इतना प्यार मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच निखिल भाई ऑल्सो कि इतना प्रमोट करने के लिए, इतना बढ़ावा देने के लिए रीजनल फिल्म्स को। इसके पहले भी बहुत सारे रीजनल फिल्म्स को ये प्रमोशन की थी और स्क्रीन्स लगाए थे ऐसे, और मेरे लिए ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। और सपोर्ट करना, अपने लोगों से सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाकी लोग तो करेंगे ही, पर अगर अपने लोग को जो होता है ना कि नो ईर्षा नहीं है, नो हेट के रहे अपना कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं, सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये सपोर्ट जो मिला है मुझे निखिल भाई से और इतने सारे लोगों को दिखाना स्क्रीन, बहुत बड़ी बात है। कौन करता है, अपने घर वाले नहीं करते आज के ज़माने में, पर ये मेरे फ्रेंड होके इतना अच्छा कर रहे मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच। और कांदिवली का इतने बोलना चाहूँगा कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि बाकी लोग क्या कांदिवली से पैदा होते हैं और फिर धीरे धीरे जू जाते हैं, पैसा कमाना, फिर चन्नी रोड जाके सो जाते हैं और वहाँ पे अपना लाइफ खत्म हो जाता है, पर मेरे लिए ऐसा नहीं था। कांदिवली से हूँ, कांदिवली में ही रहूँगा और जितना चाहे ये गुजराती एंड कांदिवली मुझे चाहिए कि वर्ल्ड मैप पे आए, ताकि और यही मेरा प्रयास रहेगा। और इसके लिए मैं जितना भी हो सके, जितना भी मेरे से हेल्प हो सके, मैं उतना ट्राई करता हूँ हेल्प देने की और करने की। जमकुड़ी मूवी में जो आपने कैरेक्टर लीड कैरेक्टर आपने प्ले किया है, कितना एंजॉय कर पाए और क्या कुछ आपने इसके लिए कुछ? मैंने पर्सनली, मेरे लिए ऐसा था कि गुजराती जो होता है बहुत ही मीठी लैंग्वेज है, पर गुजरात का गुजराती बहुत अलग होता है और मुंबई का गुजराती बहुत ज़्यादा अलग होता है। और मैं गुजरात से बिलोंग, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मैं हार्डली कभी गुजरात गया हूँ, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था, बिकॉज मेरे साथ जो इतने भी मंजे हुए कलाकार थे, ओजस रावल, संजय गोराडिया, इतने इतने लोग जिसने नाटक में इतने बड़े महान लोग हैं, और वो लोग का गुजराती मैच करना, वो लोग का पेस मैच करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट उमंग व्यास इज़ ऑल्सो फ्रॉम कांदिवली और उन्होंने डायरेक्ट किया है मूवी, तो मेरे लिए मेरा जो उनके लिए जो सपोर्ट था मेरा, उनका मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने बहुत मेहनत की, मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है कि कोई बात नहीं, तू कर हूँ जो इलेज बदू। सो बिग थैंक्स टू उमंग। मैंने पहली बार जारी फिल्म आवेली ना अभी, तेरे मन से अच्छे एवं लगेलू कि हूँ यूजली गुजराती मूवीज देले, गुजराती मूवीज और हिंदी मूवीज प्रमोट करवा माटे मैंने फिल्म के बे एक्टर्स से आई मूवी आए तो मैं प्रमोट करूँ इंस्टाग्राम पर, तो मैंने पहले एवं लग्यू कि प्रमोशन आवे जा लोग एमने,
પછી મને કે સ્ક્રિપ્ટ વાંચે, મેં તો સ્ક્રિપ્ટ કેમ વાંચવાની વાત કરે છે લોકો, પછી કે ચલો સ્ક્રિપ્ટ વાંચી લો. પછી મને લાગ્યું કે બાબલાના બેસ્ટ ફ્રેન્ડનો રોલ હશે, ગેલચંદ્રનો રોલ હશે. પછી કે ગાંડા તને તો સાચે મૂવી મેઇન કેરેક્ટરની મૂવી આપે છે. મેં તો અરે બાપરે આ તો વિચાર્યું જ નહોતું. તો મારી માટે એકદમ નવાઈની વાત હતી. ઇટ ઇઝ લાઈક આઈ લાઈક ટુ ટેક ચેલેન્જીસ. તો મારી માટે હતું કે ચલો ચેલેન્જ છે નાના, એટલે સ્ક્રીન્સ પર, મોબાઈલ પર ને ફોન પર ને યુ નો આપણે કમ્પ્યુટર પર તો જોયું હશે મારા વિડીયોઝ. બટ પહેલી વાર આટલા મોટા પડદા પર પોતાને જોઈને મને લાગ્યું કે બાપરે આ તો વધારે સારું કામ થાય જ મારું. બટ સો ફોર મી આઈ હોપ ધીસ કન્વર્ટ્સ. એન્ડ જેટલા ગુજરાતીઓ છે જે મૂવી જોયું હોય, નોન ગુજરાતી ઓલ્સો, પ્લીઝ તમને અગર મૂવી જો ગમી હોય તો બધાને કહેજો ને સ્પ્રેડ ધ વર્ડ. બિકોઝ ફોર રિજનલ સિનેમા હોરર કોમેડી બહુ પહેલી વાર આવે છે અને અને આવું આવું આર્ટ ફોર્મ ને વુમેન એમ્પાવરમેન્ટ માટે મૂવી છે. સો વી રિયલી હોપ ધીસ સ્પ્રેડ્સ. એન્ડ આપણે બી હવે સાઉથ ઇન્ડિયાની જેમ બી હવે રિજનલ ફિલ્મ બધા લોકો એમ કે ગુજરાતી ફિલ્મ બી હવે જોવાની છે. તો આઈ હોપ બધું એ રીતના મજા ને સારું સારું જાય બધું. બસ ઉન્હોને જસ્ટ બિકોઝ સી આઈ ટેલ યુ, નિખિલ ભાઈ એન્ડ આઈ પ્લે બેડમિન્ટન એવરી મોર્નિંગ. ઓર હમ લોગ કા રોજ કોર્ટ મેં મિલના હોતા હૈ, રોજ ઝઘડા હોતા હૈ, રોજ મસ્તી હોતી હૈ, રોજ બહોત સારી ચીઝે હોતી હૈ બેડમિન્ટન કે પોઈન્ટ્સ કો લેકે. બટ જૈસે હી માલૂમ પડા મેરા મૂવી આ રહા હૈ, તો ઉન્હોને બિના પૂછે મુજે એસએસ કે સ્ક્રીન હૈ આના હૈ, ઓર પહેલે દિન પે જાકે ખુદ ટિકિટ એક્સાઇટમેન્ટ મેં જાકે ટિકિટ દેકે ઓર ટિકિટ લેકે મૂવી દેખને ચલે ગયે થે કે મેકો પહેલે દેખને થે કે રિવ્યુ કેસા હૈ, મેં રિવ્યુ દઉંગા. ઉન્હોને રિવ્યુ દિયા મુજે કે એસએસ અચ્છા મૂવી હૈ. એન્ડ દેન આઈ વોઝ વેરી હેપી દેટ મેરે ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ એસે થિયેટર્સ મેં ટિકિટ્સ લેકે જા રહે, એસા નહીં કે મતલબ તું મને ટિકિટ મોકલજે, પોતે ટિકિટ લઈને જાય છે બધા. સારું છે ને સપોર્ટ આજ જોઈએ છે, કારણ કે ગુજરાતીઓ પહેલાં છે ને લોકોને પૂછે બધા કે કેવું લાગે, કેવું લાગે મૂવી, અને પછી મૂવી જોવા જાય, કારણ કે પોતાના પૈસા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ વાલા હોય. પણ આ મૂવીમાં એવું નથી થયું, લિટરલી મને પ્રેમ કર્યો છે અને તે તારું પહેલું મૂવી છે, અમે લોકો જાશું ભલે કેવું બી હોય. તો મારી માટે આ બહુ જ, એટલે લિટરલી દિસ આઈ એમ ગ્રેટફુલ ટુ માય ઓડિયન્સ એન્ડ માય પીપલ એન્ડ માય ફેમિલી that this is coming and I'm really hoping that ki aa movie vadhare hit thai. Jo sauthi pehla to ema koi bemat nathi ane garv ni vaat chhe ki Viraj bhai Kandivali Boreli na chhe, pan Mumbai na chhe, Bharat na chhe, enu vadhare garv thavu joye. Ane regional picture ne vadhare chhe, Viraj bhai Bollywood movies pan kare chhe, Gujarati picture pan kare chhe, ane jetlu talent ne namrata emna par chhe. હું તમને આશ્વાસન આપું છું કે આ મરાઠી ને બંગાળી પિક્ચર પણ આટલી જ સારી કરી શકશે, કેમ કે લોકોની નસોથી જોડાય છે. જ્યાં સુધી જમકુડીની વાત છે, ઉમંગ વ્યાસની વાત છે, જમકુડી ઇઝ રિયલી અમેઝિંગ મૂવી. કેમ કે રિજનલ મૂવીમાં કોમેડી અને હોરરનું જોનર આ બહુ ઓછું છે અને મેં પોતે જોઈ છે, જેમ વિરાજભાઈ કીધું કે પહેલાં પૈસા આજમાઈ જોયા મેં, બટ ડેફિનેટલી પિક્ચર ઇઝ વર્થ. લાસ્ટ મુમેન્ટ સુધી પણ તમે કુર્સી છોડશો નહીં. જ્યારે હું વાત કરું છું તો પાછળથી લોકો યસ ને ટ્રુ કરે છે. આનાથી મોટું વિરાજભાઈ તમારા માટે ટ્રેઝર નહીં હોય કે લોકો આટલા તમારા પાછળ ફેન છે, આટલા ગાંડા છે. આઈ રિયલી વિશ વિરાજભાઈ ગેલાની ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ઇઝ ફ્યુચર. અને આંકડાની વાત કરીએ તો પહેલી વાર ટિકિટ સેલ્સના માટે વાત કરીએ તો આઈ થિંક 1.25 crore જેવી કાલ સુધીનો આંકડો હતો. ફોર ગુજરાતી ઇટ્સ અ વેરી બિગ થિંગ કે રિજનલ સિનેમામાં આવો આંકડો મળ્યો છે અમને. અને